नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सेहरा सियो न्यूज मुनि में आपका स्वागत करता हूं। फ्रांस और भारत की वायुसेना के बीच में युद्ध अभ्यास हो रहा है राजस्थान के जोधपुर में, और ऐसे ही युद्ध अभ्यास अन्य और भी हैं जैसे गरुड़, वरुड़ और शक्ति। इस तरीके के सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य हो रहे हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। लद्दाख भारत का उत्तरी राज्य। खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ हुआ है लद्दाख में। और लद्दाख क्यों चर्चा में है, क्योंकि जम्मू कश्मीर से अलग होके लद्दाख अभी यूटी बना है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर को दो राज्यों में, दो केंद्र शासित प्रदेशों में, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो लद्दाख में इसका उद्घाटन हुआ है। हेमेस नेशनल पार्क लद्दाख में है और सबसे ऊंचाई पर स्थित होने वाला यह नेशनल पार्क है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है और यह 125वां जन्मदिन मनाया जाएगा, और इसको भारत ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। बिहार राज्य में एक उत्सव मनाया जा रहा है, कलरव उत्सव का उद्घाटन किया गया है, और बिहार राज्य की राजधानी है पटना। बिहार राज्य के CM हैं नीतीश कुमार जी और राज्यपाल फागू चौहान। उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 डेज इन हेवेंस मनाया जा रहा है। इसके होस्ट अमिताभ बच्चन जी होंगे और सोनू सूद पंजाब स्टेट आइकन घोषित किए गए हैं। शेखर कपूर FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष चुने गए हैं। FTII का मुख्यालय पुणे में है। दोस्तों, भारत की रिलायंस कंपनी काफ़ी चर्चा में है। इसको पीछे छोड़ के TCS फर्स्ट नंबर की कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्री को पीछे छोड़ कैपिटलाइजेशन के लिहाज से फर्स्ट नंबर पे TCS कंपनी बन गई है। TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। उद्योगपति रतन टाटा को इंडो अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। तो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 148वां सत्र चल रहा है और इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी को बनाया गया है। यह 148वें सत्र 18 जनवरी से 26 जनवरी तक चलेगा। WHO 2021 को ग्लोबल सोलिडेरिटी एंड सर्वाइवल ईयर के रूप में मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम राज्य में स्वदेशी भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टा देने की घोषणा की है, और लगभग असम के 1,00,000 लोगों को भूमि पट्टा दिया जाएगा। जिन लोगों के पास में भूमि नहीं है, उन लोगों को ये पट्टा दिया जाएगा। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनवाल हैं, राज्यपाल जगदीश मुखी हैं, मुख्य न्यायाधीश अभी वर्तमान में ही चेंज हुए हैं, सुधांशु धूलिया। तो ये मुख्य न्यायाधीश पूछे जा सकते हैं दोस्तों, अभी कई न्यायालयों के न्यायाधीश चेंज हुए हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, यह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। असम का प्रमुख त्यौहार बिहू है और बिहू नृत्य भी असम का प्रसिद्ध है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप भी असम में ही है, ये ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जोगी गोपा भी असम में ही है। कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहन देने के लिए भारत ने एक समझौता किया है जापान के साथ। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा येन है, प्रधानमंत्री योशीहिडे सुगा हैं। दोस्तों, ऐसी जानकारी रोज पाने के लिए आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।